Hello students, today again I have brought one integrated grammar for practice, and today in this paragraph there is one word omitted in each line. हर लाइन में से एक वर्ड ऑमिट है, मतलब कि वो लिखा नहीं गया है, और हमें ऑमिटेड वर्ड भी ढूंढना है, और उसके बाद हम उस वर्ड से पहले वाला वर्ड और उस वर्ड के बाद वाला वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे. इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 9th, 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, राइट. सो इन ईच लाइन वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्ड विच हैज़ बीन ओमिटेड. सो फॉर दैट सी, I always dreamt going to a big city. A big city is battlefield. You need to be a fighter to live in it. Anybody exit there taking advantage of you, it can be hard but may be fun also. So अब हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पूरा पढ़ना चाहिए तो थोड़ा हमें आइडिया होता है कि इसमें क्या बता रहे हैं. ये बता रहे हैं कि बड़े शहर में अगर हम जाएँ और बड़े शहर में जीना स्टार्ट करें तो वो थोड़ा स्ट्रगलसम होगा, लेकिन मजेदार भी हो सकता है. इस प्रकार ये पैसेज है, चलिए पढ़ते हैं. आई ऑलवेज ड्रैम्ड गोइंग टू, सो आई ऑलवेज ड्रैम्ड ऑफ, जो ड्रीम ऑफ होता है सपना देखना. सो हमारा यहाँ पे जो वर्ड है ऑफ है, जो ऑमिटेड है, उससे पहले वाला वर्ड है हमारा ड्रैम्ड. नेक्स्ट वर्ड है आपका गो, कि मैंने हमेशा से सपना देखा है कि मैं एक बड़े शहर में जाऊं और वहां जाके रहूं. अ बिग सिटी इज बैटल फील्ड. आप देखो इस सेंटेंस में ये हमारा नाउन है, लेकिन हर नाउन के पहले कोई ना कोई डिटरमिनर होना चाहिए. डिटरमिनर एक शब्द होता है, डिटरमिनर इज अ वर्ड विच डिटरमाइंस नाउन, विच फिक्स नाउन, जो हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. बट यहाँ पे इस सेंटेंस में देर इज नाउन बैटल फील्ड, बट बिफोर बैटल फील्ड देर इज नो डिटरमिनर. सो A big city is like a battlefield. Yeah, we can say a big city is a battlefield. So the error is of is a and battlefield. Battlefield का मतलब होता है युद्ध करने वाली भूमि, युद्ध क्षेत्र. तो जो बड़े शहर होते हैं वो एक युद्ध क्षेत्र के जैसे होते हैं, बैटल फील्ड के जैसे होते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में जाना, फिर वहाँ पे रहना, अपने लिए घर ढूंढना, अपने लिए जॉब ढूंढना, ये एक संघर्ष से कम नहीं है, ये एक युद्ध से कम नहीं है. इसीलिए बिग सिटीज़ को बैटल फील्ड से कंपेयर किया हुआ है. नेक्स्ट, यू नीड बी अ फाइटर टू लिव इन इट. सो यू नीड टू बी अ फाइटर, तुम्हें फाइटर होने की जरूरत है. यू नीड टू बी, मतलब कि तुम अगर बड़े शहर में जाते हो तो तुम्हें योद्धाओं की तरह वहां पे अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, हर चीज में संघर्ष करना पड़ेगा. एनीबडी एग्जिस्ट देयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, वहां पर कोई भी रहता है. आप बड़े शहर में जाते हो वहां पर आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी आपका फायदा उठा सकता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो आपके कपड़े प्रेस करने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो. तो अगर आप बड़े शहर में जाते हैं और आपकी शुरुआत है तो कोई भी वहां पर आपका फायदा उठा सकता है, आपको बुद्धू बना सकता है. सो एनीबडी कैन एग्जिस्ट देयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, यहाँ पे हम करेंगे एनीबडी कैन एग्जिस्ट, वहां पे कोई भी हो सकता है, वो हमारा फायदा उठा सकता है. नेक्स्ट, इट कैन बी हार्ड बट मे बी फन ऑल्सो. सो नाउ इट कैन बी हार्ड बट मे बी फन, सी दिस सेंटेंस, इट कैन बी हार्ड बट मे फन ऑल्सो. सो अगेन, इट कैन बी हार्ड बट इट कैन बी हार्ड बट इट, सो इट कैन बी हार्ड बट इट मे. सो हियर वो कहते हैं कि ये मुश्किल भरा भी हो सकता है और ये फन से भरा हुआ भी हो सकता है. सो इट कैन बी हार्ड बट इट मे. नाउ इन लास्ट सेंटेंस सी,
here also. But it may be fun also. So again, arrays of may be fun. कि बड़े शहरों में रहना हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन मजेदार भी हो सकता है. सो इस छोटे से पैराग्राफ में जो वर्ड्स ऑमिटेड थे वो बेटा आपके नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, प्रेपोजिशन हो सकते हैं, कंजक्शन हो सकते हैं, डिटर्मिनर हो सकते हैं. तो इसीलिए CBSE बोर्ड के बच्चों को जो ग्रामर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार के पैसेजेस को ईजिली कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जम्बल सेंटेंसेस है. यहाँ देखिए, हम बनाते हैं जिंदगी को वैसे ही वो बनती है. सो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. तो कहते हैं लाइफ वो है जैसे हम उसको बनाते हैं. लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. ठीक है, जिंदगी वैसे होती है जैसे हम उसको बनाते हैं. आलस से रहोगे तो दुख वाली जिंदगी है, मेहनत करोगे तो जिंदगी में खुशी मिलेगी, परिश्रम करोगे सफलता मिलेगी, आलस करोगे, लोगों को धोखा दोगे तो आपका अपमान होगा. मतलब जैसे आप करोगे वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है. लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. नेक्स्ट है भरी हुई यह संघर्षों से, दुख से. और अब हम इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि यह संघर्ष से और दुख से भरी हुई है जिंदगी. सो इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड पेन. जो जिंदगी है वो बहुत सारे संघर्षों से और दुख से भरी हुई होती है. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों आपके लिए, इट हैज बट हैप्पीनेस एज वेल. इट यहाँ पे हमने लाइफ के लिए यूज किया है, लेकिन जिंदगी में खुशियां भी होती हैं. सो बट इट हैज हैप्पीनेस, बट इट हैज हैप्पीनेस एज वेल. लेकिन जिंदगी में खुशियां भी होती हैं. ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसकी जिंदगी में खुशी होगी या उसकी जिंदगी में दुख होगा. अगर व्यक्ति मेहनत करने वाला इंसान है, परिश्रम करने वाला इंसान है, सच बोलने वाला इंसान है, एक दूसरे की मदद करने वाला इंसान है, सहानुभूति करने वाला इंसान है, तो जिंदगी में खुश होगा. ये हमारे पर डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज हमने जो ये एक्सरसाइज की आप लोगों को समझ में आई होगी. फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, आप विदाउट हेजिटेशन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट. थैंक यू.